दिस इज़ जहांज़ैब जाखड़। आज मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, फ्री लॉन्सिंग इन पाकिस्तान। इसमें इसका क्या स्कोप है, किस तरह आप इससे पैसे कमा सकते हैं और किस तरह पैसे कमाए जा सकते हैं। शायद आप सोच रहे हों कि मैं क्वालिफाइड हूँ इस चीज़ के लिए या नहीं। मैं ख़ुद एक सोशल मीडिया प्रमोटर हूँ जो मैं सोशल मीडिया के थ्रू अर्न कर रहा हूँ। आप भी फ्रीलांसिंग कर सकते हैं और आप भी इससे कमा सकते हैं। पहली बात मैं ये डिस्कस करूँगा आपसे कि आपने मेरी वीडियो को स्किप नहीं करना, कंप्लीट देखनी है। अगर आपने कोई पार्ट छोड़ा तो आप उस ही सोच के साथ मार्केटिंग में आएंगे जो आपको फिर वैसी मार पड़ेगी, क्योंकि आपको वो कंसेप्ट, वो चीज़ नहीं पता होगी जो मैं आपको वीडियो फुल में बता चुका हूँगा। आप फ्रीलांसिंग किस तरह कर सकते हैं, क्या मौके हैं, कौन लोग फ्रीलांसिंग कर सकता है, इसके लिए किसी डिग्री की ज़रूरत होती है या नहीं। बिल्कुल इस चीज़ के लिए मैं आपको बताता चलूँ, किसी डिग्री की ज़रूरत नहीं होती, जस्ट आपके पास स्किल्स होना चाहिए। अगर आपके पास स्किल्स है, आप फ्रीलांसर हैं, आप अपने स्किल्स को एज ए सर्विसेज सेल कर सकते हैं मार्केट में। फ्रीलांसिंग के लिए सबसे जो मेरे मुताबिक जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है वो है आपका स्किल्स। अगर आपकी फ्रीलांसिंग में स्किल्स है, आप उसको एज ए सर्विसेज सेल कर सकते हैं मार्केट में, आप उससे अर्न कर सकते हैं। मैं एज ए सोशल मीडिया की आपको एग्जांपल देता चलूँ। मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग करता हूँ। समझ लें मेरे पास किसी कंपनी का वर्क आता है कि हमें अपनी कंपनी को प्रमोट करना है इंटरनेशनल लेवल पर और लोकल लेवल पर। ये आप पे है कि आप किस तरह उसको लोकल लेवल पर और इंटरनेशनल लेवल पर प्रमोट करते हैं। फिर आप उनके साथ एग्रीमेंट करने हैं कि आप उससे कितना चार्ज करेंगे। ये आप पे डिपेंड है कि आप उसका जितना काम करेंगे उतना ही उनसे आप अर्न करेंगे। पहली बात कि सोशल मीडिया फ्रीलांसिंग क्या होती है, पहली बात मैं आपको बताता चलूँगी कि फ्रीलांसिंग क्या है। फ्रीलांसिंग आप समझ लें कि आप एम्प्लॉय, किसी के अंडर काम नहीं करते, आप खुद एक ऑनर हैं, खुद एक बॉस हैं अपने लिए और क्लाइंट के लिए। जब चाहे आप काम कर सकते हैं, जब चाहे आप काम रोक सकते हैं। तो सोशल मीडिया के थ्रू आप किस तरह फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, जो मैं आपको बता रहा था कि आप समझ लें कि आप के पास एग्ज़ाम्पल किसी ब्रांड का एक प्रमोशन करने, किसी ब्रांड की आप उसको किस तरह प्रमोट करेंगे लोकल लेवल पर और उसको इंटरनेशनल लेवल पर। अगर आपने इसको लोकल लेवल पर मार्केट करनी है कि आपने उसके स्पेसिफ़िक सिटीज़ को चूज़ करना है जिस पे उसकी प्रमोशन करनी है, तो आप उसके साथ एक एग्रीमेंट करेंगे कि हम आपसे इतने चार्ज करेंगे, हम आपकी ये जो प्रमोशन है आपके प्रोडक्ट की, आपके ब्रांड की, हम इसको करेंगे। अगर आप इसको इंटरनेशनल लेवल पर करेंगे तो डेफ़िनेटली आप इंटरनेशनल बेस पे ही उसके साथ एग्रीमेंट करेंगे, हम आपसे इतना चार्ज करेंगे। फ्रीलांसिंग मेरे मुताबिक फ्रीडम होता है कि आप किसी के एम्प्लॉय भी नहीं होते, जितना चाहे काम करेंगे, जितना चाहें उसके साथ आप रेट फिक्स करें, जब चाहे आप काम करें, जब चाहे आप काम रोक दें, आपको कोई पूछने वाला नहीं होता। आप ख़ुद एक बिजनेसमैन होते हैं, ख़ुद एक ऑनर होते हैं, आप अपनी सर्विसेज को सेल कर सकते हैं और ये सर्विसेज एज बिज़नेस होता है, आप इस बिज़नेस को एज ए सर्विसेज सेल करते हैं। मैं आपको एक इसकी एग्जांपल देता चलूँ कि आप सोशल मीडिया के थ्रू कितना अर्न कर सकते हैं पर मंथ के हिसाब से। मैं आपको कोई एग्जैक्ट फिगर नहीं बताऊँगा, मैं आपको अप्रॉक्सीमेटली उतना एडजस्टेबल एक फ़िगर बताऊँगा कि आप इससे कितना ऊपर जा सकते हैं, कितना नीचे जा सकते हैं। कुछ दोस्त ऐसे भी हैं जिनको मैं जानता हूं जो सोशल मीडिया के थ्रू माशाल्लाह पर मंथ के हिसाब से बहुत ज़्यादा डॉलर कमाते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उतना नहीं कमा सकते लेकिन काम एक जैसा ही होता है। सोशल मीडिया के थ्रू उन किसी भी ब्रांड की पब्लिसिटी करना, प्रमोशन करना, ये डिपेंड करता है आपके काम के, आपके स्ट्रेटजिक पे, आपकी सर्विसेज पे। आपने क्लाइंट के साथ किस तरह एडजस्टमेंट करनी है, उसके प्रमोशन की आपने किस तरह क्लाइंट्स को सेटिस्फेक्शन देनी है। तो फ्रीलांसिंग यही है कि आप अपनी सर्विसेज सेल कर सकते हैं फ्रीलांसिंग प्लेस पे। वो कौन कौन से प्लेटफॉर्म है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि आप फेवर के थ्रू किस तरह फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, अपवर्क के थ्रू किस तरह फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, या आप डायरेक्ट सोशल मीडिया के थ्रू किस तरह अपनी अर्निंग कर सकते हैं। अगली वीडियो मेरी होगी फेवर से रिलेटेड कि आप फेवर पे अपनी सर्विसेज की किस तरह की गिग्स लगाकर आप उसकी मार्केटिंग कर सकते हैं। उम्मीद है कि मेरी वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको समझ लगी है कि ये वीडियो हमारे लिए बड़ी फ़ायदेमंद है तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि दूसरे दोस्त भी इससे फ़ायदा उठा सकें कि फ्रीलांसिंग से आप किस तरह पैसे कमा सकते हैं। थैंक यू।